प्रदेश के 11 जिलों में हुआ जनमंच कार्यक्रम, लोगों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर किया गया निपटारा। श्रम व रोजगार विभाग ने बद्दी में रोजगार मेले का किया आयोजन, 453 युवाओं को विभिन्न उद्यमों में मिला रोजगार। शिमला नगर निगम की योजना, फुटपाथ पर रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों को लक्कड़ बाजार स्थित रैन बसेरे में मिलेगी जगह, बिस्तर से लेकर सोने तक की होगी व्यवस्था। चंबा जिला मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके किए गए महसूस, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 रही, भूकंप का केंद्र बिंदु भी चंबा क्षेत्र। श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद महाराज का प्रकाशोत्सव चंबा के बाबा श्री चंद मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया गया, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व अक्षम लोगों की सहायता में था उनका अहम योगदान। बिलासपुर जिले के नैना देवी क्षेत्र के तहत दियोथ में पोषण माह को लेकर विशेष समारोह का किया गया आयोजन, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। राज्य पुलिस के कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, सभी निर्धारित केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। कुल्लू में पहली बार अक्टूबर 2020 में होने वाली रिवर राफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप को विश्व राफ्टिंग फेडरेशन ने दी मंजूरी, भारत सहित एशिया के 32 टीमों में करीब 25 देश लेंगे भाग। मौसम विभाग का अनुमान, एक सप्ताह तक मौसम रहेगा खराब, कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा की संभावना।